हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसा टॉपिक कवर करते हैं जो प्रैक्टिकली प्लेयर्स के लिए ज्यादा यूजफुल हो, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि टूर्नामेंट के पहले जस्ट कैसे प्रिपेयर करें। तो इस लेसन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब टूर्नामेंट से पहले 3-4 दिन बाकी हो तो उस वक्त क्या करने से हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल हम अच्छा लेके जा सकते हैं गेम में, और साथ ही में वो ओवरऑल गेम को तो जरूर हेल्प करेगा। जो लोग साल भर प्रिपेयर करते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है, और जो लोग पूरा टाइम डिवोट नहीं कर पाते चेस के लिए और जस्ट कोई टूर्नामेंट में जा रहे होते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उनका ओपनिंग प्रिपेरेशन ठीक ठाक है, तो फोकस मिडिल गेम पे कैसे करें उस पर ये चर्चा है। ओपनिंग्स को कैसे रिवाइज करें टूर्नामेंट से पहले, उस पर मैं एक अलग वीडियो बाद में बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मिडिल गेम के ऊपर, टूर्नामेंट से जस्ट पहले मिडिल गेम पे कैसे काम करें, या आप टूर्नामेंट से ठीक 3-4 दिन पहले स्टार्ट कर सकते हो। दिन का 1 से 1.5 घंटा देना इसके लिए काफी हो सकता है। वैसे जो फुल्ली प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो कम से कम दिन में 6-7 घंटा तो डिवोट करते ही है चेस के लिए टूर्नामेंट से पहले स्पेशली। तो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ 3 पोजीशंस जिसमें हम कोशिश करेंगे ना तो सिर्फ पोजीशन को सॉल्व करने का, मैं बता रहा हूँ किस टाइप के पोजीशंस लेने चाहिए और क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चलिए सबसे पहले चलते इस पोजीशन पर। ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। आप देख सकते हो व्हाइट काफी एक्टिव है पर ब्लैक ने अभी जस्ट क्वीन बनाया है, तो व्हाइट टू प्ले एंड विन का पोजीशन है। आप इसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करिए और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज देखना चाहिए हमें। आज मैं बताने जा रहा हूँ हमारा 2 मेन ऑब्जेक्टिव इस पोजीशन में ये होगा कि हम चेक्स बिल्कुल मिस नहीं करें, कम से कम 3 कैंडिडेट मूव्स ढूंढे ही, और उसी के साथ हम ओपोनेंट का कैंडिडेट्स को मिस ना करें। तो देखिए यहाँ पे व्हाइट ने जो है 2 मूव्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रुक टेक्स F6 और क्वीन H6 चेक, इनको सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि EF6 का मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्लैक का देखिए क्वीन G1 चेक आ रहा है, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, यानी कि इस पोजीशन में व्हाइट को मूव फोर्स करना जरूरी है। तो आप देख सकते हो पहला कैंडिडेट रुक F6 चेक, Gtx F6 फोर्स्ड, उसको क्वीन H6 चेक, किंग F7, क्वीन टेक्स F6 चेक, K8, और देखिए जो है किंग भागता हुआ नजर आ रहा है क्वीन साइड पर। तो व्हाइट ने इमीडिएटली देखिए इसको रिजेक्ट किया और सीधा चला गया क्वीन H6 लाइन पर, जो कि एक्चुअली है ज्यादा फोर्स्ड। क्वीन H6 को देखिए एक ही ऑप्शन है जबकि रुक F6 को 2 था। क्वीन H6 को GH फोर्स्ड, और यहाँ पे देखिए व्हाइट के पास फिर से है 2 कैंडिडेट मूव्स, एक है रुक F6 चेक और दूसरा रुक G8। इसी पॉइंट को मैं बताने जा रहा हूँ थ्रू आउट द लेसन कि कैसे हम मूव्स को मिस ना करें। तो यहाँ पे देखिए रुक G8 के बाद तो किंग F7 के बाद किंग सेफ है, पर रुक F6 चेक के बाद भी काफी लोग कैलकुलेशन छोड़ देते हैं क्योंकि देखिए 2 लाइन्स है किंग G7 और किंग H5, और आप देखोगे किंग H5 के बाद 2 चेक्स है रुक H6 और रुक F5। इस तरह से हमें वेरिएशंस को पकड़ना है। तो हमारा कोशिश होना चाहिए टूर्नामेंट के पहले कि हम वेरिएशंस को मिस ना करें और हम अपने और ओपोनेंट दोनों के मूव्स को सही तरह से ढूंढे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पोजिशन इजिली सॉल्व हो गया, KH5 को रुक H6 मेट, और दूसरा लाइन है देखिए क्वीन H6 Gtx H6 रुक F6 के G7 को बिशप H6 चेक और अगला मूव मेट हो जाएगा। अब हम मूव करके देखते हैं क्वीन H6 चेक Gtx H6 रुक F6 के G7 उसको BH6 चेक के G8 रुक F8 मेट, और किंग H5 आने पर रुक H6 चेकमेट था। कुछ लोगों को यह पोजीशन इजी लगेगा, पर्पसली मैंने ये पोजीशन लिया है। पहला पोजीशन ये उनके लिए है जिनका रेटिंग रेंज जो है जस्ट 1400 के आसपास है। अगले दोनों पोजीशंस डिफिकल्ट है, ये थोड़ा हायर लेवल के प्लेयर्स के लिए 1400-1800 रेंज उनके लिए अगले दोनों पोजीशंस है। इसको मैंने पर्पसली यूज किया ताकि जो थोड़े वीकर प्लेयर्स है उनको पता चले कि इस तरह से मेटिन 4-5 रेंज के बुक्स में से आप पोजीशन सॉर्ट करके ये पोजीशन आप टूर्नामेंट के पहले, यानी कि अगर आप टारगेट करो कि 80 पोजीशंस को 4 या 5 दिन में आपको कवर करना है टूर्नामेंट से पहले। चलिए चलते अगले पोजीशन पर जो कि थोड़ा सा उससे मुश्किल है। फिर से व्हाइट टू प्ले एंड विन का पोजीशन है,
आप देख सकते हो व्हाइट को चीजें फोर्स करना होगा, वरना क्वीन जो है सीफा या डीफाई से किंग के पास आ जाएगा और कम से कम ब्लैक को ड्रॉ तो मिलेगा ही। यहाँ पे होता क्या है, इस पोजीशन को भी काफी लोग सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि माइंड ब्लॉक आ जाता है, एक जगह पे ऐसे लगता है कि मूव्स हो नहीं रहे और वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम स्पेशली जो फोर्सिंग मूव्स है उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट्स है क्योंकि G3 कर नहीं सकते, क्वीन D5 चेक हो जाएगा। तो इस पोजीशन में केवल दो चेक्स है, एक है G4 चेक और दूसरा है Rook H6। आप Rook H6 में देख सकते हो Rook H6 के बाद लूजिंग है पोजीशन, तो बचता है G4 चेक जो दिखने में लग रहा है रॉन्ग। देखिए पहला पॉइंट क्या है, G4 को KH4 के बाद ऐसे लग रहा है कि किंग भाग जाएगा, और दूसरा पॉइंट क्या है, G4 को FG एनपासेंट आ रहा है और उसमें भी देखिए ऐसे लगता है आगे चेक्स खत्म है, तो काफी लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि G4 के बाद यहाँ पे अगर किंग H4 करे तो देखिए सिंपल वेटिंग मूव KH2, और आप देख सकते हो क्वीन कॉर्नर पे होने की वजह से चेक नहीं दे सकती है, और देखिए Rook H6 चेकमेट होने वाला है, यानी उसको बचाने के लिए ओनली मूव H5, और H5 आते ही आएगा देखिए Rook H6, और अगला मूव कुछ भी करे Rook takes H5 होगा चेकमेट, यानी Qb4 को H5 चेकमेट। तो इस तरह से हमें देखिए वेरिएशंस को कैच करना है। अगला सवाल उठता है, ये तो ठीक था पर FG3 एनपासेंट में क्या करे। देखिए यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, इस G4 मूव से FG3 से देखिए G3 का पॉन ने G3 का स्क्वायर स्नैच कर लिया, ब्लैक का किंग फंस जा रहा है। अब देखिए फिर से दो चेक्स है Rook H4 और Rook H6। Rook H6 में हम देख चुके हैं कुछ नहीं होता है, तो बचता है देखिए Rook H4 चेक, King takes H4 को देखिए Rook H6 चेकमेट G3 पॉन के वजह से। चलिए करके देखते हैं, King H4 को देखिए Rook H6 चेकमेट, और जो दूसरा वेरिएशन है G takes H4 उसमें अब कोई मेट नहीं हो रहा है, उसमें देखिए आता है Rook B5 चेक, Queen takes B5, A takes B5, KG5, B6, King F4, और अब यहाँ पे B7 भी विनिंग है और सेफ KG2 भी टोटली विनिंग है। चलिए करके देखते हैं Rook H4 चेक, G takes H4, Rook B5 चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये काफी लोगों का ये जो चेक है मिस हो जाता है। Queen B5, AB5, KG5, B6, King F4 जैसे मैंने बताया सेफ मूव KG2 है। अब व्हाइट पॉन फोर्स क्वीन हो जाएगा और इस केस में तो B7 भी विनिंग है क्योंकि King F3, B8 के बाद देखिए King F2 का टाइम ही नहीं है, क्वीन चेक आना शुरू हो जाएगा King F2 को, तो ये भी पोजीशन व्हाइट का विनिंग है। चलते हैं लास्ट पोजीशन पर, तो ये हमारा आज का तीसरा और आखिरी पोजीशन है ब्लैक टू प्ले एंड विन। सेम तरह से आप इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर आंसर को कंपेयर करिए। आप देख सकते हो ये पोजीशन पिछले वाले से काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले ही देखने में देखिए तीन चेक्स है जो बहुत जरूरी है, Qd1, Qh1, Qd3, और काफी लोग Bb5 चेक को भी इक्वली इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन आप देख सकते हो Bb5, Ke1, Qh1 को Qg1 या Kd2 बहुत जल्द चेक्स रुक जाएंगे। तो जब मैंने ये पोजीशन सॉल्व करने का ट्राई किया दो मेन कैंडिडेट्स थे Qd1 और Qh1, और मैंने ज्यादा जोर दिया Qd1 को क्योंकि देखिए एक ही लाइन है उसमें Queen E1। इस चीज को हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार सॉल्व करते हुए। तो अगर आप एक साथ 4-5 दिन में 100 पोजीशंस के करीब सॉल्व करोगे तो इसका क्या होता है, हैबिट हो जाता है और टूर्नामेंट में हम एक तरह का कॉन्फिडेंस लेकर जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे Qd1 को Qe1 फोर्स, और यहाँ पे तीन चेक्स फिर से है Queen F3, Bishop G2 और Bishop B5। तो मेरा देखिए फर्स्ट चॉइस यहाँ पे था Bishop G2 क्योंकि King F2 के बाद देख सकते हो Qf3 चेक है, जबकि Bb5 चेक में Kf2 के बाद चेक्स खत्म हो रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए Qd1 चेक, Qe1, Bg2 चेक, जो काफी लोग यहाँ पे पॉइंट मिस करते हैं। Kf2 के बाद क्या होगा, देखिए आएगा Qf3 चेक, King G1 फोर्स, और यहाँ पे आता है देखिए वेटिंग मूव Bh3, G2 का वीकनेस है, F1 पर भी है, तो Queen F2 फोर्स, और अब बैक रैंक वीक होगा। तो देखिए Queen F3, KG1, Bh3, Queen F2, Qd1 और Queen F1 को Queen F1 चेकमेट, Queen E1 को भी Qe1 चेकमेट था। तो टूर्नामेंट के पहले मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए
ऐसे 7-8 पोजीशंस 1.5 घंटे के स्पैन में कोशिश करता हूँ कि वो करे और 4-5 दिन इस तरह का ट्रेनिंग को लेते हुए टूर्नामेंट्स में जाए। तो इससे क्या होता है, टूर्नामेंट में जो रिजल्ट्स है थोड़ा बेटर होने का चांस और बढ़ जाता है, स्पेशली अगर हम घर में कर पाए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा होगा, और अगर हम घर में नहीं भी कर पाए तो हमें पता होता है कि हम एक डायरेक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं और इसी को हमें अपने गेम्स में कोशिश करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया है, मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बनाए ताकि मैं इसी टॉपिक के ऊपर और बाकी और वीडियोस बना सकूं और अलग अलग पोजीशंस जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज करता हूं। थैंक्स फॉर योर टाइम।